प्रशासन व लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को जज शिवेंद्र कुमार मिश्र ने सुरक्षा की दृष्टि से किया प्रोत्साहित। देवरिया कचहरी चौराहे पर पुलिस प्रशासन द्वारा लॉकडाउन पर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। शहर में अनावश्यक आ रहे वाहनों की पूछताछ कर चलान काटे जा रहे थे कि तभी शिवेंद्र कुमार मिश्र जज सचिव विधिक न्यायिक सेवा प्राधिकरण गुजर रहे थे। अपनी गाड़ी रोककर उतरे और सेवा में लगे प्रशासन और मीडिया कर्मियों को साबुन मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आज मैं ऑफिस जा रहा था कि मेरी नज़र खाकी के वीर जवान जो लगातार अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं और साथ ही लोकतंत्र मीडिया के चौथे स्तंभ लगातार चौराहे पर अपनी सेवा दे रहे थे। हमने देखा तो हमें प्रेरणा मिली कि ऐसे लोग जो जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं, तो मेरे मन में लगा कि क्यों ना उन्हें सुरक्षा के लिहाज से उन्हें मास्क सैनिटाइजर दिया जाए। आज उस क्रम मैंने इन लोगों को दिया। ये सभी अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी से कार्य करते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश देवरिया से अमित राजपाल की रिपोर्ट। मेरा एक कार्यालय है, इस समय मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यहाँ पे प्रधान सचिव हूँ, जो कि लगातार कैदियों की रिहाई है उसकी रिपोर्ट देनी होती कर रहे हैं। और ऐसे हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के लोग लगातार चेकिंग में और विभिन्न लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दोनों लोग चौराहे पे लगे हुए थे। हमने देखा तो मुझे ये प्रेरणा मिली कि नहीं, ऐसे लोग जो जान हथेली पे रखकर काम कर रहे हैं उनको हम क्यों ना उनके लिए सुरक्षा का उपाय उनको दिया जाए, उनको मास्क दिया जाए, उनको सैनिटाइजर दिया जाए। और इस क्रम में मैंने जो है आज इन लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया है। ये कोई वितरण या नाम के लिए नहीं है, ये सिर्फ हौसला अफजाई के लिए है कि समाज को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोग जो जान हथेली पे रखकर काम कर रहे हैं उनके लिए हम एक बेहतर और हमेशा पीठ थपथपाएं। हम हमेशा उनके लिए सोचें कि वो आप सबके भले की बात कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करिए, अपने घरों में रहिए, अगर हम लोग सड़क पर हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सबको घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है और ये आपकी भलाई के लिए है। तो इसलिए ये जनपद बहुत अच्छा इस कार्य को निभा भी रहा है। मैं बधाई भी देता हूँ स्थानीय प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को और समस्त मीडियाकर्मी बंधुओं को, बैंककर्मी बंधुओं को, यहाँ के डॉक्टर, हमारे स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी बंधुओं को कि उन्होंने बहुत सावधानी से इस कार्य को पूरा किया है। और आगे और भी अच्छा हम लोग हौसला अफजाई करेंगे, जागरूक करेंगे, सबको साथ में लेकर इस लॉकडाउन का पालन कराते हुए वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहेंगे।